जय श्री राम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे छठ महापर्व कब से कब तक है एवं साथ ही नहाने खाने, सूर्य पूजा एवं सूर्य को अर्घ देने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है। छठ का पर्व कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर नहाने खाने से शुरू होता है। पंचमी को खरना, षष्ठी को डूबते हुए सूर्य को अर्घ और सप्तमी को उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करके व्रत सम्पन्न किया जाता है। 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व में सूर्यदेव और षष्ठी मैया की पूजा की जाती है। षष्ठी मैया सूर्यदेव की बहन है। इस दिन रखा जाने वाला व्रत बहुत ही कठिन माना जाता है क्योंकि इस व्रत को 36 घंटों तक कठिन नियमों का पालन करते हुए रखा जाता है। इस वर्ष छठ पर्व की पूजा 17 नवंबर 2023 से शुरू हो रही है जिसका समापन 20 नवंबर को होगा। विशेष तौर पर यह पूजा बिहार, झारखंड एवं यूपी के कुछ स्थानों पर बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। यह व्रत संतान के सुखी जीवन की कामना के लिए किया जाता है। छठ पर्व षष्ठी तिथि से 2 दिन पहले यानी चतुर्थी तिथि से नहाए खाए से आरंभ हो जाता है और इसका समापन सप्तमी तिथि को पारण करके किया जाता है। छठ पर्व पूरे 4 दिनों तक चलता है। इस पर्व में मुख्यतः सूर्यदेव को अर्घ देने का सबसे ज्यादा महत्व माना गया है। इसमें पहला दिन नहाए खाए होता है। इस साल नहाए खाए 17 नवंबर को है। इस दिन सूर्योदय 6:45 पर होगा, वहीं सूर्यास्त शाम को 5:27 पर होगा। आपको बता दें कि छठ पूजा की नहाए खाए परंपरा में व्रत करने वाला व्यक्ति नदी में स्नान करने के बाद नए वस्त्र धारण करता है एवं शाकाहारी भोजन करता है। इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को भोजन ग्रहण करने के बाद ही घर के अन्य सदस्य भोजन ग्रहण करते हैं। साथ ही साथ घर में भी शाकाहारी का पूर्णतः पालन किया जाता है एवं व्रत करने वाला व्यक्ति चारपाई का त्याग कर नीचे चटाई बिछाकर जमीन पर सोता है। खरना छठ पूजा का दूसरा दिन होता है। इस साल खरना 18 नवंबर को है। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:46 पर होगा, वहीं सूर्यास्त शाम को 5:26 पर होगा। खरना के दिन व्रत करने वाला व्यक्ति एक समय मीठा भोजन करता है। इस दिन गुड़ से बनी चावल की खीर बनाई जाती है। यह खीर नए बर्तनों में बनाई जाती है एवं खीर को मिट्टी के नए चूल्हे पर आम की लकड़ी से आग जलाकर बनाया जाता है एवं इसे प्रसाद के रूप में परिवार के सभी सदस्यों द्वारा खाया जाता है एवं खीर को खाने के बाद ही यह व्रत शुरू होता है। इस दिन नमक नहीं खाया जाता है। छठ पूजा पर सबसे महत्वपूर्ण तीसरा दिन होता है। इस दिन शाम के समय अर्घ देना होता है। इस दिन व्रत करने वाला व्यक्ति एवं परिवार के सदस्य घाट पर जाकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। इस साल छठ पूजा को संध्या अर्घ 19 नवंबर को दिया जाएगा। 19 नवंबर को सूर्यास्त शाम को 5:26 पर होगा। इस दिन टोकरी में फलों, ठेकुआ, चावल के लड्डू इत्यादि रखकर अर्घ देने वाले सूप को अच्छे से सजाया जाता है। ऐसा कहते हैं प्लेन यानी कि कोरा सूप नहीं रखा जाता है, उसे अच्छे से सजाया जाता है। इसके बाद नदी या तालाब में कमर तक पानी में खड़े होकर अर्घ देते हैं। चौथा दिन यानी सप्तमी तिथि छठ महापर्व का अंतिम दिन होता है। इस दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद व्रत का पारण होता है। परिवार के सभी सदस्य लगभग 3 से 4 बजे के बीच में नदी या घाट के तट पर पहुंच जाते हैं एवं फिर सूर्यदेव को अर्घ देते हैं। इस साल 20 नवंबर को उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:47 पर होगा। इसके बाद ही 36 घंटे का व्रत समाप्त होता है। अर्घ देने के बाद व्रत करने वाला व्यक्ति प्रसाद का सेवन करके व्रत का पारण करता है। छठ पूजा में सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है, साथ ही साथ पूरे विधि विधान से उनकी पूजा की जाती है। इस दौरान भूलकर भी चांदी, स्टील और प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस पूजा में मिट्टी के चूल्हे और बर्तनों का इस्तेमाल करना बहुत ही शुभ माना गया है। छठ पर्व के दिन भूलकर भी मांसाहारी भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, साथ ही इसे घर में भी नहीं बनाएं एवं बाहर जाकर भी मांसाहारी भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस दिन प्याज व लहसुन से भी परहेज करना चाहिए। छठ पूजा में सूर्यदेव को अर्घ दिए बिना किसी भी चीज का सेवन नहीं करना चाहिए, साथ ही साथ व्रत रखने वाले व्यक्ति को जमीन पर सोना चाहिए। छठ पूजा का व्रत रखने वाले व्यक्ति एवं उनके परिवार के सभी लोगों को अरवा, चावल भी लाल चावल, सेंधा नमक इत्यादि का इस्तेमाल करना चाहिए। छठ पूजा का प्रसाद बहुत ही पवित्र माना जाता है, इसे बनाते समय भूलकर भी झूठा नहीं करना चाहिए। साथ ही इसे बनाने से पहले भी कुछ नहीं खाना चाहिए, अपने हाथों को भी साफ स्वच्छ रखना चाहिए। याद रखें कि प्रसाद बनाने वाली जगह एकदम स्वच्छ हो। छठ पूजा पर्व में स्वच्छता का विशेष महत्व होता है। यदि आपको हमारी वीडियो की जानकारी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।